हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ईशा का जायका। फ्रेंड्स, मार्केट में 250 रुपए के मिलने वाले ये चिजलिंग घर पे कितनी आसानी से और कितने कम टाइम में और कम खर्चे में बन जाते हैं, उसकी रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाले हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। उससे पहले छोटा सा म्यूजिक सुन ले, लेट्स गो। चिजलिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम डो प्रिपेयर करेंगे। उसके लिए एक बॉल लेंगे, इसमें ऐड करेंगे 1 कप मैदा। मैदा को यहाँ पर छान के लेना है। फ्रेंड्स, बचपन से लेकर आज तक ये चिजलिंग सबसे ज्यादा मेरे फेवरेट रहे हैं। अब ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून बटर, ये सॉल्टेड बटर है। 3 क्यूब प्रोसेस चीज को मैंने ग्रेट कर लिया था, वो ऐड करेंगे। अब सारी चीजों को हाथों से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रोसेस चीज ही लेना है। देखिए, इस तरह से क्रम्बल हो चुका है। अब ऐड करेंगे 1/8 टीस्पून खाने का सोडा, थोड़ा सा नमक डालेंगे, ये एकदम ठंडा दूध है, उसकी हेल्प से हम आटा गूंथ लेंगे। दूध यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके डालना है, हमें इसका मीडियम सॉफ्ट डो चाहिए, इसीलिए अगर दूध ज्यादा हो गया तो बेलने में दिक्कत आएगी। बटर भी सॉल्टेड लिया है और चीज में भी सॉल्ट होता है, तो नमक डालने में केयरफुल रहना है। टोटल मैंने यहाँ पर 1/4 कप मिल्क यूज किया है। देखिए, इतना मीडियम सॉफ्ट डो प्रिपेयर करना है। अब इसको ढककर 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। पंद्रह मिनट हो चुके हैं और एक बार चेक कर लेंगे। परफेक्ट, देखिए इतना सॉफ्ट रखना है। इसको एक डो मैट पर निकाल लेंगे। आपके घर में प्लेटफॉर्म हो तो उसके ऊपर भी आप कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मसल लेंगे। अब ये थोड़ा सॉफ्ट हो गया है तो इसको 4 पोर्शन में इक्वली डिवाइड कर लेंगे। उसमें से एक लॉय लेंगे, इसको सूखे मैदे से डस्ट करेंगे और एकदम पतले रोटी बेल लेंगे। बाकी की जो लोइया है उसको ढक कर रखना है, नहीं तो उसका ऊपर का सरफेस ड्राई हो जाएगा। जितना हो सके उतना पतला बेलना है। अगर इसको आप मोटा बेलेंगे तो चीजलिंग का वो टेस्ट आपको नहीं मिलेगा, वो फिर नमक पारे जैसा टेस्ट आपको मिलेगा। बीच बीच में आप इस तरह से सूखा मैदा यूज कर सकते हैं। देखिए, मैंने इतना पतला बेला है कि मेरा नीचे का जो मैट है वो इसमें से क्लियरली दिख रहा है। अगर हो सके तो इससे भी पतला बेलना है। अब एक पिज्जा कटर लेंगे और इसकी कॉर्नर्स को रिमूव कर देंगे। और फिर इसको स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे। एकदम चिजलिंग की जो साइज होती है उस शेप में कट करना है। देखिए, एकदम छोटे छोटे स्क्वायर्स बना लेने हैं। अगर आपके पास पिज्जा कटर नहीं है तो आप नाइफ से भी कर सकते हैं। अब एकदम हल्के हाथों से इसको निकाल लेंगे। अभी से ही एकदम
टेम्प्टिंग लग रहे हैं। अब इसी तरह से दूसरी रोटी भी बेल लेंगे। फ्रेंड्स, इसमें खास बात का ध्यान रखना है, वो ये है कि ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं होना चाहिए। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो इसको ढक कर रखें, नहीं तो फ्राई करते वक्त वो अच्छे से नहीं फूलेंगे। हमारे सारे चीजली कट करके तैयार है, अब इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने तेल गरम करने के लिए ऑलरेडी पहले से रख दिया था। एक चीजलिंग डालकर चेक कर लेंगे। तेल का टेम्परेचर एकदम ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये ऊपर से ब्राउन हो जाएंगे और अंदर सॉफ्ट रहेंगे। हमें ये एकदम क्रिस्पी चाहिए और फूले फूले, ये टेम्परेचर परफेक्ट है। अब थोड़े थोड़े चिजलिंग डालते जाएंगे और इसको हल्की आंच पर फ्राई करते रहेंगे। परफेक्ट, देखिए कितने फूले फूले बने हैं हमारे चिजलिंग। कोई बोल सकता है कि इसको हमने घर पे बनाया है। हमारे चीजलिंग तैयार है और इसमें सिर्फ मेजरमेंट का ध्यान रखना है और तेल के टेम्परेचर का। पहली बार जब मैंने डाले थे तो तेल का टेम्परेचर एकदम हाई था, इसलिए देखिए ये मेरे चीजलिंग ब्राउन हो गए हैं। तो आप ये गलती कभी मत करना। फ्रेंड्स, मैंने आपके 250 रुपए बचा दिए। आपको मेरा काम फ्री में करना है और वो है इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। टिल देन बी हैप्पी बी हेल्दी।